हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल मेरे चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूं। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है इसको हम लोग ओडिशा में मंडा पीठा बोलते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये बहुत ही जल्दी भी बन के रेडी हो जाता है। दोस्तों, आप इसको घर में बना के किसी पूजा पाठ में प्रसाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी बना के खा सकते हैं। ये दिखने में जितना अच्छा लगता है ये खाने में उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। आज ये रेसिपी को मैं कैसे बनाऊंगा इसको अगर आप देख लेते हैं तो इसको घर में बना के खाने का मन ज़रूर करेगा। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम सबसे पहले लेंगे एक बड़ा सा पतीला। अब पतीला में डालेंगे खूब सारा पानी और पानी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता और तेज़पत्ता को डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा सौंफ। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची। इलायची को हमने कूट लिया है, ये देखिए हमने इसमें इलायची डाल दिया है। अब हम इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चीनी। दोस्तों, आपका पानी जितना होगा आप उसी हिसाब से इसमें चीनी डालिएगा। और चीनी को डालने के बाद इसको हम चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, हमें इसका सिरा नहीं बनाना है, हमें इसको अच्छी तरह से बस मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर में हमारा चीनी अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगा इसके बाद इसमें डालेंगे सूजी। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे थोड़ा सा सूजी लिया है। मैंने यहाँ पे 1 किलो सूजी लिया है, ये एकदम बारीक सूजी है। आप चाहे तो थोड़ा मोटा दाना भी ले सकते हैं। अभी हम सूजी को इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने इसे सूजी को डाल दिया है। और सूजी को इसमें डालने के बाद अभी हम एक चम्मच के मदद से अच्छी तरह से इसको इसमें मिक्स करेंगे। इसको थोड़ी देर ऐसे मिक्स करते करते जो हमारा सूजी है ये अच्छी तरह से फूल जाएगा और एकदम ड्राई हो जाएगा। आप देखते रहिए दोस्तों, थोड़ी देर में इसका टेक्सचर एकदम चेंज हो जाएगा। दोस्तों, आप इसमें जब भी सूजी को डालें, सूजी को डालने के बाद इसमें चम्मच को कंटिन्यू चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे चिपक जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसका टेक्सचर एकदम चेंज हो गया है और इसका पानी भी एकदम सूख गया है। अभी हम सारा सूजी को एक दूसरे प्लेट में डाल देंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा सूजी को एक दूसरे प्लेट में निकाल लिया है। अभी हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, इसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो चलिए अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। अभी हमने लिया है नारियल। ये देखिए दोस्तों, हमने नारियल को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसको मिक्सी में पीस के ले सकते हैं। ये देखिए, अब हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे नारियल और नारियल को डालने के बाद इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा इलायची। इसके बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा काजू, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा किशमिश। और इन दोनों को डालने के बाद अभी हम अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। गुड़ थोड़ा हेल्दी होता है इसलिए हमने यहाँ पे गुड़ का यूज किया है। ये देखिए, अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसी स्टेज में इसमें ऐड करेंगे गुड़। ये देखिए दोस्तों, ये गुड़ है। अभी हम गुड़ को इसमें डाल देंगे। अब गुड़ को डालने के बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो चलिए हम इसमें गुड़ को डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया गुड़। अब गुड़ को डालते ही इसको फिर एक बार अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। इसको थोड़ी देर इस तरह से मिक्स करते करते जो ये हमारा गुड़ है ये गुड़ भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा और थोड़ी देर में ही इसका टेक्सचर एकदम चेंज हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और हमारा फिलिंग बन के रेडी हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको साइड में रख देंगे और थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए दोस्तों, हमारा सूजी भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा सूजी लेंगे और इसको एक दूसरे प्लेट में डाल देंगे और इसका ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। और तेल लगाने के बाद इसको इस तरह से हाथों से मैश करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह हमें इसको अच्छी तरह से मैश कर देना है। इस तरह से मैश करने से
ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसका ऊपर और थोड़ा सा तेल लगा देंगे और तेल लगाने के बाद इसको फिर एक बार अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। दोस्तों, इसको अगर हम इसी तरह से मैश करने के बाद बनाएंगे तो हमारा जो मंडा पिठा है ये बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए, अभी अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी हम हाथों में थोड़ा सा इस तरह से सूजी लेंगे और इसको गोल गोल कर लेंगे। अब गोल गोल करने के बाद इसको हम एक प्लेट में साइड में रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा करके सबको गोल गोल कर लेना है और इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके सबको बना लेंगे। ये देखिए, हमने अभी थोड़ा सा बनाया है। चलिए मैं आपको पहले थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। अभी हम लेंगे एक बेलन और इसका ऊपर इस तरह से थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि इसमें ये बेलने से ना चिपके। और ये देखिए दोस्तों, हमने इसको इस तरह से गोल गोल करके बेल लेना है। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना कि ज़्यादा मोटा करना है। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल इतना ही हमें बेलना है। अभी हम लेंगे मंडा पिठा बनाने का एक छाँचा और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल को इसमें लगा देने से ये चिपकेगा नहीं। और तेल को लगाने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से इसको रख देंगे और इसका अंदर डालेंगे हमारा बनाया हुआ नारियल का फिलिंग। इसको डालने के बाद इसको इस तरह से दबा देंगे और इसका बाकी बचा जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम अलग कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे। ये देखिए, हमारा पहला मंडा पिठा बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और इसी तरह हम एक एक करके सबको बना के रेडी कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमने एक एक करके सबको बना के रेडी कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। और ये देखिए, हमने तेल को गर्म कर लिया है और गर्म गर्म तेल में इसको एक एक करके डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, आप इसको जब भी फ्राई करें, गैस को पहले हाई फ्लो पे रखें, उसके बाद गैस को मीडियम फ्लो पे कर दें और इसको उलट पुलट करके अच्छी तरह से लाल होने तक फ्राई कर लें। थोड़ी देर में ये अच्छी तरह से लाल होकर फ्राई हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और इसका कलर भी एकदम चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको तेल में से छान के प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट बैच बन के रेडी हो गया है। और इसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा करके सबको फ्राई करके रेडी कर लेना है। और ये देखिए, ये हमारा बन गया सेकेंड बैच। और इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके सबको बना के रेडी कर लिया है। दोस्तों, अभी नवरात्रि चल रहा है, अभी आप नवरात्रि में भी इसको बना के प्रसाद में यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी बना के खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए मैं आपको एक मंडा पिठा चेक करा कर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है और अंदर से एकदम सॉफ्ट, और इसका फीलिंग को देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, हम लोग इसको हमारे उड़ीसा में मंडा पिठा बोलते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये गुजिया के शेप में है तो आप इसको गुजिया भी बोल सकते हैं, लेकिन गुजिया तो मैदा का बनता है और ये है सूजी का। दोस्तों, आज का मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड।